ये देखिए आप, आवश्यकता आवश्यकता और आवश्यकता, किसी भी एक मंत्री की आवश्यकता है महेंद्रगढ़ सब डिपो का उद्घाटन करने के लिए। लगभग 2 साल से बनकर तैयार है भवन, उद्घाटन का है इंतजार। मंत्री जी को TA और DA भी दिया जाएगा। आपका सेवक संदीप मालड़ा, श्री सुंदराम ट्रस्ट, और मोबाइल नंबर भी दिए हैं। साथ में आप देख रहे होंगे कि जो संदीप जी की जो फ़ोटो है वो सर्कल में फ़ोटो भी है। तो खास बात ये है कि आप जो ये ऑटो देख रहे हैं ये पूरे मार्केट में घूम के आया है, और इसके बाद ये यहाँ पर सब डिपो के गेट के सामने, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि सब डिपो के पास यहाँ हम खड़े हैं, सब डिपो महेंद्रगढ़ में। और ये सब डिपो महेंद्रगढ़ के अंदर ताला जड़ा हुआ है पिछले 1 साल से भी ऊपर। और भी जानकारी हमने इसमें जुटाई है, वो भी आपके साथ साझा करेंगे। बाकी नवनिर्मित भवन है यहाँ पर, और इस नवनिर्मित भवन का उद्घाटन नहीं हुआ है। इसी चीज़ का कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन है, जनता के अंदर सुविधाएँ ना देने को लेकर ये जो लगा रखा है। इसमें ये मैसेज दिया गया है कि एक मंत्री की वजह से, शायद मंत्री का मतलब यहाँ पर, जैसे उद्घाटन में ज़्यादातर क्या होता है कि मंत्री रिबन काट कर उद्घाटन करते हैं, तो जब तक कोई मंत्री यहाँ पर इसके लिए मिलेगा नहीं उद्घाटन के लिए, तब तक शायद उद्घाटन ना हो पाए। तो यहाँ पर बहुत सारे समाजसेवी और बहुत सारे जो दूसरे साथी हैं, और बस स्टैंड पर हम हैं, तो बस स्टैंड महेंद्रगढ़ के अंदर जो प्रधान वगैरह हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी उनसे बातचीत कराएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। प्रधान जी हमारे साथ हैं, वेद प्रधान जी। पहले भी हमने कवरेज आपको दिखाया था महेंद्रगढ़ बस स्टैंड से संबंधित, जो इन्होंने काम कराए। बाकी फ़िलहाल हम इनसे बातचीत करेंगे कि सब डिपो के बारे में सरकार की क्या मंशा है। ये यहाँ रहते हैं तो इनको ज़्यादा पता होगा जी, बताएं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये स्टैंड इंचार्ज लेवल का तो काम है नहीं, ये सरकार का काम है। अच्छा अच्छा। और अभी से ये बिल्डिंग हमारे हैंड ओवर भी नहीं हुई है। बिल्डिंग बस अड्डे को हैंड ओवर नहीं हुई है? बस अड्डे को हैंड ओवर नहीं। ये लोग यहाँ पर कब से लगा हुआ है पता हो आपको? लोग तो शुरू से ही लगा हुआ है इसमें, काम कर्मचारी काम करने के लिए आते हैं और वो अपना काम करके वापस लोग लगा चले जाते हैं। तो अभी तो जैसे 4 ही बजे, तो अभी तो काम कर रहे, वैसे भी ये लोग सरकारी नहीं है, ठेकेदारों के आदमी आते हैं। अच्छा। और वो अपना काम करते हैं और हमारी तभी वापस देकर चले जाते हैं। अच्छा। तो क्या लगता है कब तक काम पूरा हो जाएगा इसका? इसके मामले में कुछ नहीं कह सकता। अच्छा। ये तो सरकार का काम नहीं, वैसे कहते हैं कि PWD को B&R ने सौंप दिया था 1 साल पहले फरवरी महीने में। महकमे के पास इसकी कोई नॉलेज नहीं है और ना हमारे पास इसकी कोई सूचना आई है। ये तो सरकार का ही काम है और सरकार ही जाने इसको। अच्छा अच्छा अच्छा, सरकार का ही काम है। यहाँ पर खास तौर पर बात ये, आप लोगों की रेंज से बाहर है थोड़ा सा? हाँ, हमारी रेंज से बिल्कुल बाहर का काम है ये, मंत्री लेवल का और सरकार का काम है। अच्छा। ये जित्तू प्रधान टाइप का एक बंदा है हमारे साथ, जो आजकल ना एक्टिव रहता है, युवा साथी है भाई। ये बस स्टैंड के बारे में क्या कहेंगे? बस डिपो सब बस नए तो बस स्टैंड है भाई साहब, नए बस डिपो है। अच्छा भाई साहब, ये है वर्कशॉप है बस डिपो के लिए। तो ये अभी सब डिपो बोलते हैं, सब डिपो बोल रहे हैं ना, वो भी एक गलत गाइड किया गया है हमें कि ये सब डिपो है, ये है वर्कशॉप है। जिस दिन यहाँ पर सब बस सब डिपो आ जाएगा उस दिन तो इसकी तस्वीर ही अलग मिलेगी। कम से कम 40 बसें मिलेंगी यहाँ पर, अलग अलग रूटों पे जाएंगी और हर प्रकार की सुविधा मिलेगी। हम इसको वर्कशॉप कहें तो ही बढ़िया है। और ये भी पता नहीं कब वर्कशॉप शुरू हो, ये अभी कुछ पता ही नहीं है इसकी। ये भी समय सारणी कोई निर्धारित नहीं है कि ये कब शुरू हो जाएगा। आज हमने संदीप भाई साहब ने मालड़ा से जो है, हमने कि ये मुहिम भी शुरू की है कि कोई मंत्री आ जाए भाई, हम नौकरी की तलाश करते हैं। हम महेंद्रगढ़ की जनता के लिए एक मंत्री की तलाश कर रहे हैं कि आओ और इस चीज़ का उद्घाटन तो करो। पिछले 2 साल से बनकर तैयार हो रखी है। आप भाई साहब को मैं आप बता दूं और आपको कैमरामैन को भी बता दूं, आप देखो गेट के ऊपर से पुट्टी तक भी उतरने लगी है भाई साहब। समझ गए। तो ये जिस दिन खंडर हो जाएगा उस दिन अपने भाई आशीर्वाद जहाँ जहाँ पहुँचा है वो उद्घाटन करने आएंगे। कल के न्यूज़पेपर में, आज के न्यूज़पेपर में आई हुई है शायद, मूलचंद शर्मा जी की एक स्टेटमेंट आई हुई है, बजट के ऊपर कुछ चर्चा चल रही होगी विधानसभा में। तो उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर तो पूरे हरियाणा में पर्याप्त बसें ऑलरेडी हैं, लेकिन अब मैं यहाँ पर अपने बस स्टैंड से कोई भी आदमी अगर है अपना इंचार्ज वगैरह कोई भी जो इस चीज़ की जानकारी देते हमें, एक बात बता दे, लावन माजरा मालड़ा झूक इस रूट के ऊपर कौन सी बस और कितने रूट पर जाती है कि नहीं जाती है? कॉलेज से बच्चे भी आते हैं, लड़कियां भी आती हैं, बड़े बूढ़े सब आते हैं, पूरे दिन रूट चलता है। उस रूट के ऊपर कोई भी बस सुविधा अगर बस स्टैंड की तरफ से करवाई गई है तो वो बताएं जी। उसके बाद आप आ जाओ नांगड़ बचीनी झगड़ोली सीगड़ा सीगड़ी इस साइड लगा लो, या बवानिया और अपने डुलाना रोड पे होते हुए एक बस जाती है जी, वो सुबह जाती है और शाम को जाती है। समझ गए।
तो पर्याप्त बसें हैं, तो वो बसें हैं कहाँ? हमारे महेंद्रगढ़ के काम नहीं आनी क्या वो कभी भी? मतलब जो बसों की कमी है उसकी वजह से काफ़ी समस्याएं हैं। बाकी यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ जो रेल महायात्री जो संघ है, रेल यात्री जो महासंघ है, उसके प्रधान जी राम निवास पाटोदा जी। सर आपका स्वागत है चैनल पर जी। बताएँ ये जो सब डिपो इसके बारे में। ये सब डिपो 27 जुलाई 2014 में जब कांग्रेस सरकार थी, उपेंद्र सिंह हुड्डा आईटीआई मैदान में आए थे, छत्र ने मांग की थी कि जी यहाँ ग्रामीण रूटों पर तीर्थ स्थान के लिए और जयपुर दिल्ली के लिए यहाँ बसें नहीं चलती। उन्होंने हमारी समस्या को देखते हुए सब डिपो की घोषणा करी थी। घोषणा होने के बाद ये ठंडे बस्ते में चलेगी, कांग्रेस सरकार चलेगी, बीजेपी सरकार आई, परिवहन मंत्री रामविलास शर्मा जी बने, उसमें लगभग 9 महीने इसके पास ये महकमा रहा। हम बार बार जो है इसको कहते रहे जी हमारा सब डिपो चालू करो, सब डिपो चालू कियो। बीजेपी सरकार ने इसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसके बाद सामाजिक संगठनों ने मिलकर यहाँ पर 3-4 बार जो है धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद लगभग 7 करोड़ रुपए का बजट जो पास हुआ और ये लगभग 1 साल में बनकर तैयार हो गया। 1 फरवरी को इसकी चाबी ठेकेदार ने सुरेश अपना इंचार्ज था, अभी रिटायरमेंट हो गया, 2021 में इनको तैयार करके चाबी सौंप दी। उसके बाद लगभग 10 बार जैसे जीएम नवीन शर्मा ने इसका निरीक्षण कर लिया। एक टीम आई थी 10 फरवरी 2021 को चंडीगढ़ से, उन्होंने इस पर छोटी छोटी पॉइंटें जैसे 26 पॉइंटों पर जो है इसका निरीक्षण करके बताया इस कमियों को पूरा करो और 1 हफ्ते का समय दिया था। वो 1 हफ्ते का समय उस ठेकेदार ने वो 15 दिन में लगभग सारी जो है कमियाँ दूर कर दी और लगभग आज लगभग 14-15 महीना हो गए जब से इसमें कोई भी जो है अधिकारी चंडीगढ़ से इसका निरीक्षण करने के लिए नहीं आया। और आपने मेरा हमारा क्षेत्र बहुत लंबा क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है बस सेवा बिल्कुल नहीं है, लंबे दूर की गाड़ी नहीं है, दिल्ली की सिर्फ नाम मात्र की एक गाड़ी है, सुबह पूरे दिन 24 घंटे में 5:30 बजे गाड़ी जाती है दिल्ली की। हमारे इस महेंद्रगढ़ क्षेत्र के साथ इतना भेदभाव कर रहे हैं, ना तो कोई रेल सेवा है और ना हरियाणा रोडवेज की परिवहन सेवाएँ हैं। और हम मैं कल भी जीएम साहब से मिला था गाड़ियों के बारे में और सब डिपो के बारे में, जीएम साहब ने कहा कि भी हमारे पास पर्याप्त बसें नहीं हैं ताकि हम जो है तीर्थ स्थान के लिए बसें चला दें, जयपुर के लिए, दिल्ली के लिए, चंडीगढ़ के लिए। हम चाहते हैं कि भी हमारे को यहाँ सब डिपो को जल्दी जल्दी चालू किया जाए ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे रूट की और रात्रि के समय जो हमें ये बस सेवा यहाँ मिल जाए। ये हमारे क्षेत्र का बड़ा दुर्भाग्य रहा कि ये बन के लगभग 14 महीना से ये सब डिपो बन के तैयार है, सिर्फ ये किसी मंत्री जी का इंतजार है। अभी यहाँ जो परिवहन मंत्री आए या मुख्यमंत्री आए, अभी मैं मांग पत्र हमने आज तैयार कराया, मैं 30 तारीख को दुष्यंत चौटाला के सामने मैं पेश करूंगा कि हमारा जो है ये सब डिपो बन के तैयार हुआ और हम चाहते हैं कि भी जल्दी से जल्दी अप्रैल में हमारा सब डिपो चालू किया जाए ताकि पूरे क्षेत्र को जो है पूरे इलाका को जो है यहाँ से परिवहन सुविधाएँ मिल सके जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। बाकी विशेष बात तो यहाँ पर ये है कि खास तौर पर जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि 24 घंटे के अंदर एक बस, मात्र एक बस दिल्ली के लिए यहाँ पर जाती है। बाकी अगर हम बातचीत करें दूसरे जगह की, दूसरे मेन बस स्टैंड वगैरह की, तो वहाँ से अनेकों बसें जाती हैं। बस खास बात तो यहाँ पर ये है कि महेंद्रगढ़ के साथ पता नहीं क्यों इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है कि हर बार महेंद्रगढ़ को ही संघर्ष करना पड़ता है अपने हक के लिए। और सबसे बड़ी बात यह कि संघर्ष ही करता जा रहा है महेंद्रगढ़, मिला नहीं अभी तक कुछ। बात करें सड़कों की तो ना सड़कें बनी हैं, बात करें आप यहाँ पर और दूसरे अन्य चीज़ों की तो सभी के सभी जो चीज़ें हैं वो पूरी नहीं हुई हैं, यहाँ जितनी भी डिमांड्स वो पूरी नहीं हुई हैं। तो यहाँ विशेष बात यहाँ पर ये है कि आप पीछे देख रहे होंगे जो भवन है, ये भवन नवनिर्मित भवन है सब डिपो का। अगर सब डिपो शुरू हो जाता है तो जैसा कि जितेंद्र साथी ने बताया था कि लोकल रूट्स के ऊपर भी बसेज नहीं हैं, कम संख्या में बसेज यहाँ पर मेन शहरों के लिए हैं और ख़ास तौर पर नज़दीक जो यहाँ पर गांव जो लोकल रूट्स के ऊपर जो पढ़ते हैं उन सभी पर बसें ही नहीं चलती हैं। क्या वहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते या फिर यात्रियों को सुविधा नहीं चाहिए? ख़ास तौर पर बात यह है कि महेंद्रगढ़ शहर के अंदर इस तरह का जो अमलीजामा पहना रखा है कि ये एक आपका मेन बस स्टैंड है, इसके बाद इसके अंदर चलिए वेद प्रधान जी और उनके साथियों ने एक अच्छे प्रयास करके यहाँ पर पार्क और दूसरी चीज़ें कर दी, लेकिन ये जो भवन है आप अंदाज़ा लगाइए कि 15 महीने से एक भवन नवनिर्मित बनकर तैयार है और लोक लगा हुआ है सिर्फ उद्घाटन करवाने के लिए, रिबन कटवाने के लिए। हो सकता है इसमें कहीं कोई कमी बीसी रहे, लेकिन अगर कोई कमी बीसी इतना बड़ा भवन बन चुका है
तो ये छोटी मोटी जो कमी बेसी है वो पूरी भी की जा सकती है कुछ ही समय के अंदर, कोई भी कमी कहीं पर बची हुई है तो। लेकिन ये महेंद्रगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार है, चाहे कोई भी सरकारें रही हों, चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे बीजेपी सरकार रही हो, जिस प्रकार से आपके सामने 148B का जो मुद्दा है, आपने देखा होगा कि दादरी से नारनौल के बीच की जो सड़क है, ना कांग्रेस सरकार बनवा पाई, ना बीजेपी सरकार अभी तक बनवा पाई है। ख़ास तौर पर महेंद्रगढ़ आज भी अपने हक को तरस रहा है। बाकी ये जो आज फ्लैक्स लगाए हैं मंत्री जी के उद्घाटन की का इंतज़ार है, हम इसमें आपको मिलवाएंगे संदीप मालड़ा जी से भी। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट।